और देव से मेरे जैसा चरखड़ा लिया आया फाइनली। जा रहा है बहुत दूर बहुत दूर। देखो पतंग का मूवमेंट चेक करो गाइस, ये चेक करो पूरी फुल डील। वाह बहुत बढ़िया बेहतरीन। बैक टू चैनल, होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली आज है संडे और मैं अभी जा रहा हूँ काइट फाइटिंग करने। होप करता हूँ आज पतंगे उड़ रही हैं क्योंकि संडे को सबसे ज्यादा पतंगे उड़ती हैं। तो आज करने वाले हैं काइट फाइटिंग, प्लान तो यही है। बाकी अभी मैंने अपनी पतंगे निकाल ली, आप देख सकते हो ये रही, क्योंकि दूसरे वाले घर पे पतंगे खत्म होगी और वो देख सकते हो वरी लाइन का फुल स्टॉक और उधर मेरा काइट बैग इधर भरने वाला। तो ये दोनों अलमारी मैंने पूरी ऑक्यूपाई कर लिया, अब इसमें निंजा का स्टॉक भी लगा दूंगा यहाँ पे। बाकी पतंगे आप देख सकते हो ये रही। रुको गाइस मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कौन सी पतंगे ले जा रहा हूँ। एक घुटाई वाली पतंग बहुत अल्टीमेट उड़ रही थी ये, और ये पौने में अभी रिसेंटली ही लेकर आया था। ये देखो ये अद्दी, ये तो सब अद्दी है, ये भी पहले की है, ठीक है, ये भी मैं इस बार लेकर आया था। बाकी मैं आपको बता दूं ये पतंग मुझे पसंद नहीं आई, ये लास्ट टाइम मैंने उड़ाई और मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो वजन बन रहा है ना, वजन बन ही नहीं रहा पहली बात तो, और पतंगे ना मतलब सही नहीं उड़ रही, फील नहीं आ रहा। तो ब्राउन वाली उड़ाएंगे एक आधी, खत्म करेंगे फटाफट उड़ा के, और आज मैं ये वाली पतंगे उड़ाने वाला हूँ। ये बहुत अल्टीमेट पतंग है, ये है 6 का 10, इसका मतलब होता है पौने से छोटा एंड अद्दी से बड़ा। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस फाइनली हम छत पे जा रहे हैं, होते हवा चल रही है, मैं खिड़की से दिख रही हूँ, और ये रहा पीछे देव, और ये नया चरखा लेकर आया आज। ऐसा लगता है चढ़ते चढ़ते पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं बस, चढ़ते चढ़ते हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ। तो गाइस मान जा उठा लिया है, सद्दी भी उठा लिया, मौसम बहुत अल्टीमेट हो रहा है, असली चीज है, असली चीज ये। तो गाइस बहुत अल्टीमेट मौसम हो रहा है, पतंगे भी उड़ रही है और हवा बहुत तेज चल रही है। चलो फटाफट आपको बैक कैमरा करेंगे, बैक कैमरा ही चल रहा सॉरी। चलो एक बार सेटअप कर लेंगे, दिखाते हैं। इतनी तेज हवा आई, हाथ से पतंग उड़ गई और पूरा 20-22 रुपए की पतंग का तहस नहस हो गया। तो ये रेस्ट इन पीस बन चुकी है, अब इसे यहाँ लगा देते हैं। कैसे उड़ी देव, एक बार दोबारा एक्टिंग करके बताइए कैसे हवा आई दूसरी पे। हाँ नहीं नहीं इसी पे, कितने पतंग उठाई प्रॉपर। देखो सारे झंडे खतरनाक हिल रहे हैं। चलो गाइस इन पतंगों को लगाते हैं लाइन से। तो गाइस देव से मेरे जैसा चरखड़ा लिया आया फाइनली, और ये रहा अपना सद्दी का चरखड़ा, ये रहा अपना बरेली लायन, और ये रहा अपना जो हम जिस चरखड़ी से कल काइट फाइटिंग कर रहे थे। बाकी आज मैं जो पतंगे लेकर आया हूँ, कल वाली हमारी खत्म हो गई थी, और पतंगे दिखा देता हूँ। ये वाली अद्दी, ये भी अद्दी घुटाई वाली, ये लास्ट टाइम जयपुर जनवरी में उड़ाई थी। उसके बाद ये हुकुमचंद की पतंगे हैं 6 का 10, और उसके अलावा आप ये वाली घुटाई चेक कर सकते हो, ये हमने कल भी उड़ाई थी, बहुत अल्टीमेट है। हाँ ये एक है पौना, और जो दूसरा पौना है उसकी वहाँ लास्ट बन चुकी है। तो गाइस ये रहा आज का हमारा काइट स्टैश, ये रहा मांझे का स्टैश, और ये देव आज नया मांझा भरवा के लाया, दिखाइए जरा कौन सा है। पांडा ये कितने तार? 5 तार तो आता ही नहीं है, बता नहीं कितने का होगा। कितने का भरवाया ये? 20 रुपए। तो 20 का ही मांझा भरवाता रोज? नहीं 40 का भी भरवाया था और चला के पता नहीं। अच्छा तो गाइस ये रही पतंगे, फटाफट करने मानते हैं और करते हैं पार। गाइस हवा बहुत ज्यादा अल्टीमेट चल रही है, मतलब आज पतंगे उड़ जाएं, बस अभी थोड़ी थोड़ी उड़ने लगी हैं और उस साइड पे काफी सारी उड़ रही हैं। बाकी फटाफट पतंगे उड़े और काइट फाइटिंग करने में आज बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हवा बहुत अल्टीमेट है। तो बस अब बिना किसी देरी के वीडियो को लेके चलते हैं आसमान में। एक पतंग उड़ना चालू हो गया, देख सकते हो उतार क्यों रहा है, चेक कर रहा हूं। अरे ओए 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 पतंग उड़ गई भाई, बहुत तेज हवा है, बहुत बहुत ज्यादा तेज हवा है। देखो पतंग कैसी कैसे हरकत कर रही है। हाँ तो बहुत ज्यादा मान, चल पार कर पार कर पार कर, पेच चढ़ाने अभी तो। चलो गाइस अब फटाफट पेच की तरफ चलते हैं। तो गाइस देव ने पतंग काट दी, जब तक मैं कैमरा ऑन करता तब तक पतंग कट चुकी थी। तो गाइस देख सकते हो धागे वाले मांझे से भी ये भोकाल बनाया जा रहा है। तो गाइस एक पेच चढ़ाने आ गया बंदा बहुत दूर पे, चलो जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वाह
पीछे जल्दी। नहीं लगे नहीं लगे, चल ऊपर वाले हमें, चल घुमा घुमा बिल्कुल घर पे ले जा, उसके नीचे ले जा, उठा के खींच मार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चल 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 चल। देख तूने टेढ़ी खींच मारी, चलो कोई नहीं गाइस, इसको भी लर्निंग देते हैं इसकी भी। एक तिरंगा कट के जा रहा है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। देखो ये देख सकते हो दूर जा रही है, क्या बात कर रहे हैं, कितनी लंबी डोर है भाई साहब, गाइस बहुत ज्यादा दूर है, बताऊं बहुत ज्यादा। वो देखो गाइस, अभी एक पतंग मेरी फट गई थी पड़े पड़े, तो अभी हवा इतनी तेज है तो हमने सोचा इसको पार करते हैं आराम से, चली जाएगी इस पर टेप लगा दिए, तो चलो इसको पार करते हैं और सामने हमारे ओपोनेंट भी आ गए। फ्रेम के बीच में भैया की पतंग है और वो उधर ओपोनेंट की कोशिश कर रहा हूं, दो लोगों के पीछे चढ़ रहा है, इसमें से एक कट गया है शायद, नहीं पीछे चढ़ रहा है, लड़ेगा भैया। और धूल इतनी तेज आ रही है ना, आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना तेज हवा का स्पीड भाई। फिर भी ये पतंग की देखो क्वालिटी है ना, बढ़िया उड़ रही है मस्त। राइट साइड वाली भैया की रूम की तो नीचे है, थोड़ा सा नीचे ढील की भी लगाने की कोशिश करूंगा, या तो झटके मार के या ढील से, देखते हैं गाइस। चलो देखते हैं जैसा भी पेच चढ़ेगा, कोशिश करेंगे काटने की, बट मांझा कम लगा रखा है ये लोगों को, पहला पेच चढ़ रहा है, वो दोनों उठा देंगे, एक नीचे ले गया। देव कैमरे में आ रहे हैं दोनों, हाँ तीनों, वो एक लहरा दिया, जल्दी जल्दी दूसरे में, वो तो दूर गया, मैं दूसरा भी, वो दूसरा भी काट दिया। तो भाई दोनों उड़ा दिए, इसे कहते हैं कहीं बाज, वो और ही अपनी पसंद। गाइस हवा इतनी ज्यादा तेज है, गाइस पतंग खंभे में अटक चुकी है और सिर्फ ढील जा रही, खींच नहीं मार पा रहे, पूरी खंभे में अटक गई है पतंग, पतंग बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर, और खंभा वो पतंग और हमारा खंभा, हमारा थ्रेड अटक गया वहां का, कोई ऑप्शन नहीं था तोड़ने के अलावा। नहीं भैया नहीं तोड़ो, अरे यार सद्दी खराब हुई भैया, मत तोड़ो जरूर जाओ, इस काले चांद सद्दी को, उस वाले सद्दी को जान दो, काले चांद को आन दो तब ठीक रहेगा, जान दो जान दो जान दो, अभी एक गांठ है ना तब तोड़ना सारा, वो बहुत पतंग आया मुझे, पेज लग गई टूट गई, गई टूट गई, अबे यार ये मांझा उलझा ज्यादा घिस गई, अरे यहाँ से टूट गया, क्या बात है मजा आ गए, टूट गया वो ऐसे ऐसे उलझा, टूट के चलेगा भाई साहब, बहुत डोर है पतंग भाई, वो जो हरी एकदम बीच में जो है ना, ये पकड़ ली, किसी ने पकड़ ली है, इतनी ज्यादा भयंकर चल रही है ना, मतलब आप लोग, मतलब मैं क्या बताऊं, ढील ऐसी आ रही है और भाई हमारे हाथ में बिल्कुल पतंग नहीं आ रही है, लास्ट टाइम सद्दी उलझी और टूट के पूरी चली गई, इतनी मतलब कम से कम नहीं तो 1200-1300 मीटर पे थी पतंग और वो सारी उड़ गई, और बाकी अभी 20 प्लस हो चुकी हवा, पूरी 15 अगस्त वाली हवा चल रही है, और सामने दो पतंगें उड़ गई हैं, अब उनसे जा रहे हैं पेच लड़ाने, जिनसे लास्ट टाइम लड़ाए थे दोनों एक साथ काट दिए थे, अब देखते हैं काट पाते हैं नहीं काट पाते, और उनके आपस में पेच लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने आपस में काट दी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देख सकते हो इन दो के पेच चल रहे हैं, अगर इन्होंने आपस में काट दी तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे, अब अगली पतंग उड़ने को तैयार है, उड़ा दे भाई, बड़ी बेहतरीन टेपिंग करी है मैंने इसमें, और अद्धी उड़ा रहे हम, चल भाई सीधा पार कर दियो, ठीक है, और वहाँ दो पतंगें हमारे सामने उड़ने लगी है अपोनेंट की, एक मैं काटूंगा एक देव काटेगा, अरे वाह देखो पतंग का मूवमेंट चेक करो गाइस, ये चेक करो पूरी फुल ढील, बहुत बढ़िया बेहतरीन भाई, पतंग बहुत सही है, बहुत सही है गाइस, स्पीड चेक करो, ढील दियो फुल स्पीड में एक बार, स्पीड में गाइस स्पीड चेक करो कैसे निकल रहा है मांझा, इतनी तेज हवा चल रही है भाई, इतनी तेज हवा चल रही है, ओहो हो बढ़िया चल रही है ना पतंग भाई, पतंग पक्का काट दी पक्का, चलो गाइस देखते हैं, बहुत दूर एक पतंग उड़ रही है, ढील दे सद्दी पे लिया, फिर मेरे को हैंड ओवर कर, आगे सद्दी, हाँ बस बस बस
तो गाइस पतंग की मूवमेंट बहुत अल्टीमेट है, लाइक खील खील वगैरह दोनों बढ़िया चल रही है, ना इधर भाग रही ना उधर भाग रही, सीधा ऊपर सीधी सीधी भाग रही है। अब जाते हैं, पहले मैं लेफ्ट साइड वाले से पेच लाऊंगा और फिर देव के लिए अगर मैंने काट दी तो फिर देव नेक्स्ट वाले से पेच करेगा। चलो गाइस राइट साइड की भैया की है और वो और तुम कर ले भाई, मैं फाड़ दूंगा वीडियो। हाँ इसमें सही आ रही है, हाथ नीचे रख ले। तीन तीन पतंगे भैया, मांझा कम है। मांझा अरे अंदाजा है, ट्राई करते हैं। वैसे मांझा है तो सच कह रहा है, तो कम ही है। येलो वाले मैं बोल रहा था यार, और काट दी छूते ही, काट दी भाई छूते ही। येलो वाली पे चल रहे हैं, ये भी जाएगी छूते ही, मारेगा जहां आ रहे हैं। निकल गए, गई हमारी सद्दी से, गई है मांझे से कटी, हमारी गलती है, हमारी गलती होगी यार। इतना सा मांझा है तो मतलब मांझा तो लगा है ना। हाँ तो गाइस ये मांझे से ही लड़ा था, हम सोच रहे सद्दी से लड़ा है तो मतलब गलत एंगल पे हमारे पिच चढ़े। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपोनेंट के पास, जो कि ये उड़ रहा है बीच में आसमान में एक और पतंग जाते हुए, ब्राउन दी ब्राउन। ये वाली तो ठीक उड़ रही है यार, वजन कैसा है? लाइट है ना ये वाली पतंग है सारी। हाँ। तेरा तो अपोनेंट ही चला गया, किससे लड़ाएगा पीछे तू अब? हाँ मजा आ रहा है, यहाँ तेरे को सारा आसमान खाली मिल गया है। तो बस काट दो बस, पैसे। चलो बस पेज आएगा तो दिखाते हैं आप लोगों को। इस साइड तो पतंगे उड़ भी रही हैं, देख सकते हैं, लेकिन हमारी दूसरी तरफ नहीं उड़ रही पतंगे, क्योंकि वो एरिया दिल्ली के एंड का है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया है नहीं। तो देखते हैं अभी कोई उड़ाएगा तो दिखाते हैं आप लोगों को। अंदर में हवा में रखियो पतंग, ऊपर रख, उसके ऊपर वाली अपनी गाइस जो खंभे के पीछे उड़ रही है अपोनेंट की है। अरे बंदा बार बार खंभे के पीछे चला जा रहा है, बंदा फुल डरा हुआ है, डरा नहीं, वहां में दिख नहीं रहा है, वो खंभे के पीछे उड़ा रहा है। तू नीचे ले आएगा तभी तो आएगा, लेफ्ट की तरफ ले जा अपनी। गाइस देव को भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, कहाँ ऊपर चढ़ा के बैठा है, वो आएगा इतनी ऊपर, जा वहाँ जा, उस छत पे जा तू। तो छत चेंज कर दिया ताकि एंगल बदल जाए, जा अटील कैसे लेगा चक्री को लाओ ना चक्री। अरे जा 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 दे दूंगा अटील, आ रही है? आ नहीं रही, इतनी आ तो रही है, और क्या करेगा अटील का चक्री, अरे मैं दे रहा हूँ अटील। तो एंगल चेंज हो गया तो पेज बढ़िया लड़ेंगे, और इसने ऊपर से रखने की कोशिश कर रहा है। देखो आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा खंभे के पीछे, रख दे ढील पे चलाइयो, क्या हुआ? रखा ऊपर रख, ऊपर क्यों नहीं रख रहा? चल खींच, रख रहा ऊपर, डाल दे बहुत बढ़िया, रख ऊपर रख ढील छोड़। अरे लाला ढील छोड़ दे भाई, देव भाई तू पेज लड़ा क्यों नहीं पा रहा है? काट दी गाइस, कट गई ये देखो जा रही है। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप करते हैं आपको मजा आया होगा। तो आज काफी हद तक हमने पेच लड़ाए, काफी टाइम के बाद कुछ पतंगे उड़ने लगी हमारे एरिया में भी,
बाकी चलो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट फॉर नेक्स्ट वीडियो।